जी सलाम दोस्तों, अकमल अंग्रेज़ी वाला आपके साथ मौजूद और मेरे साथ है अली रज़ा। मैं अली रज़ा को अंग्रेज़ी सिखा भी रहा हूँ और मौजूदा जो सिखा चुका हूँ उसमें मैं टेढ़े मेढ़े गलत मलत फिक्र लिख के चेक करता हूँ अली रज़ा को बार बार, कि उसको हर चीज़ लॉजिकली मालूम है कि नहीं। रट्टे लगा के अगर दुरुस्त भी है तो आई डोंट केयर, अगर रट्टा लगा के आपका फिक्र दुरुस्त भी है मैं चेक करूँगा, अगर रट्टा लगाया हुआ तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो मैं अली रज़ा को सिखा रहा हूँ, अली रज़ा को चेक कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ देखा करें। अली रज़ा की पोजीशन पर अपने आप को रख कर खड़ा करें, ऐसे ही समझें कि जी आप अली रज़ा हैं और मैं जो सवाल करूं आप लॉजिकली समझिए और मैं टेढ़े मेढ़े गलत मलत फिक्रे लिख के आपको चेक करूंगा, छानूंगा, छानबीन करूंगा पूरा करके, ताकि कल को जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठें तो आप पूरे इत्मीनान और कॉन्फिडेंस के साथ बैठें कि हर चीज़ जो आप लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, यू नो दैट, हर चीज़ को लॉजिकली जानते हैं, कोई रट्टे कोई तुक्के से नहीं आ रहे, आप फंसाए नहीं जा सकते, आपको फंसाया नहीं जा सकता, आप अड़ेंगे नहीं। ठीक है, मेरा नाम है अकमल अंग्रेज़ी वाला और आप मुझे YouTube पर सर्च कर सकते हैं, हर सोशल प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं अकमल अंग्रेज़ी वाला लिख के। और आप अगर वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा लें, ताकि मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको मालूम हो और आप वीडियो आपको मिलते रहे। मैं फिक्रे अजीब अजीब फिक्रे लिखूँगा, कोई गलती छोड़ूंगा और कई मरतबा मैं दुरुस्त फिक्रा भी लिखा, लेकिन मैं अली को फंसाने की कोशिश करूँगा कि अली को समझ बूझ है कि नहीं। ठीक है, मैं फिक्रे लिख रहा हूँ, कुछ फिक्रे लिखूँगा और आपने भी फिक्रा देखते ही साथ ही अभी तक की जो आपने सीखा है, मेरे से सीखा है या कहीं से सीखा है, अपनी समझ बूझ को यूज़ करते हुए बताइएगा इसमें क्या गलती है, कमेंट्स में आपने बताना है। द मोमेंट यू सी इट फौरी आप कमेंट में डालिए कि ये इसमें गलती है और उसका हमें दुरुस्त जवाब भी बताइए। मैं फिक्रा लिखता हूँ, अली रज़ा बताना है गलती क्या का है। पहले आपने मुझे बताना है ये टेंस कौन सा है, हर चीज में लॉजिकली पूछूंगा। ठीक है, वी हैज, ठीक है, एट बिरयानी, ठीक है, फॉर मॉर्निंग। मैंने फिक्रा दिया है वी हैज एट बिरयानी फॉर मॉर्निंग। ठीक है जी, और आपने, और मैंने बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फिक्रा दे दिया है, मुझे लगता है ये सारी वीडियो इसी एक फिक्र के नाम हो जाएगी। पकड़ना है, गलतियां पकड़नी है और अभी से मुझे पता नहीं है कौन सा टेंस है। ठीक है, क्योंकि मैंने जानबूझ के इसमें ऐसी चीज़ें डाली जो इसे कॉम्प्लेक्स टेंशन बनाता है। अली रज़ा पकड़ना शुरू करो कहाँ क्या गलती है, यहाँ से दुरुस्त करना शुरू करो और फिर आखिरकार देखते हैं फाइनली आप कहाँ पहुँचते हो। पर बताना भी है बेटा, बताना है, पहले ये काटो। ठीक है, पहले बताओ कि गलती है क्या, तुम सीधा सीधा करना शुरू कर दो तो समझाना है, आपको समझ आए तो अब उन हम दोनों की जिम्मेदारी बनी। पहले मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको सिखाना, अब हमारी दोनों की जिम्मेदारी है कि उधर जो साथी हैं उनको सिखाएं। आपने क्या किया, क्यों किया? क्योंकि ये हेड लगता है सिंगुलर के साथ, तो ये प्लूरल है, तो इसीलिए ये प्लूरल है, एक से ज्यादा हो तो हैज नहीं लगता। हैज किस किस के साथ लग सकता है? ही, शी, इट, ये क्या चीज कहलाते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। ये भी क्या है? प्रोनाउन है, और ही शी इट भी प्रोनाउन है। ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लग सकता है, वो कौन कौन से हैं? ही, शी, इट। ही, शी, इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उनके साथ लग सकता है। तो आपने कहा कि वी जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ हैज सिंगुलर है नहीं लग सकता, तो क्या चीज लगाएंगे, चेंज क्या करेंगे? हैव। तो अली रज़ा ने पहले हैज को काटा है और वी की जगह वी के साथ हैज की बजाय हैव को लगाया। ठीक है जी, यहां तक हो गया। तो आगे आगे हैज की कुछ राइटिंग जो के वो कहता है कि अगर तो मेरे सामने तो टिक मार्क भी डालो ना, वी की शर्तें पूरी हो गई, हर एक की शर्त होती है कोई जो पूरी होनी चाहिए, वी इसको डालने की जरूरत नहीं है, ये तो मास्टर है ना, इसके ऊपर टिक मार्क डालने की जरूरत है, इससे आगे वाले की इसकी शर्त पूरी हो गई, आपने हैव डाल दिया। ठीक है, हैव को सीधा करने के लिए, हैव को राजी करने के लिए, ये हैव इससे राजी है नहीं, नहीं राजी है, तो क्या करें? तो इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे। हैव क्या कह रहा है कि मेरे बाद जो वर्ब आ रहा है उसकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। वर्ब के बगैर अलावा भी कोई चीज आ सकती थी? हाँ नहीं, पार्ट्स आ सकती थी, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ और आ सकता था, लेकिन ये आ गया है वर्ब, लेकिन इस वर्ब के साथ ये राजी
नहीं है। इसको राजी करने के लिए क्या है जरूरी के वर्ब को, किन शरायत का, किन शरायत के ऊपर पूरा उतरना जरूरी है वर्ब का? वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए हैव, ये कौन सी है? ये सेकंड। सेकंड है तो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। सेकंड एक्सेप्टेड नहीं है? नहीं। तो थर्ड फॉर्म करने के लिए क्या करोगे? इटन कर दूंगा। इटन करने के लिए क्या करोगे? पहले ई लगा दो, थर्ड फॉर्म ऐसी बनेगी ना, और आगे एन लगा दो, ईटन होगी थर्ड फॉर्म होगी। ऊपर थर्ड लिख भी दो कि थर्ड होनी चाहिए। बेटा तीन 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 ना तीन तीन लाइनें लगाते हैं, तीन लाइन लगा दो, ये थर्ड फॉर्म होगी। ओके, तो यहाँ तक ओके हो गया, टिक मार्क बनता है। ओके, यहाँ तक राजी हो गया, ये यहाँ तक फिक्रा ठीक हो गया। आगे बिरयानी ठीक है, टिक मार्क डालो। फार मॉर्निंग ठीक है, ठीक है आप लोगों को लगता नहीं, है नहीं नहीं सिंस आएगा, सिंस आएगा। फार क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें पता है कि सुबह यानी कि जो आगे आने वाले दिन है उसकी सुबह को सुबह के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे फोर की जगह सिंस आएगा। तो सिंस कब आता है और फोर फार कब आता है, पता है उधर बता सकते हो? सिंस तब आता है जब हमें टाइम का पता हो, यानी कि जैसे हमें सुबह शाम रात ऐसे अगर कोई आएगा यानी कि टुमारो ऐसे की कोई चीज़ आएगी तो उसके साथ सिंस लगेगा। अगर तो वो बताएगा कि अली 2 घंटे से पढ़ रहा है तो इसके साथ फोर लगेगा। घंटे लगे हों तो फिर फार लगेगा, और बाकी 1985 लिखा हो तो क्या लगेगा? फिर सिंस लगेगा। अच्छा सिंस लगेगा। 2 साल से हो तो वो फोर लगेगा। ठीक है, 2002 से हो तो 2020 से हो तो सिंस। ठीक है, 4 बजे से हो तो फोर। 4 बजे से हो तो फार। 4 घंटे से हो तो फोर। आप लोग बताइए कि अली सही कह रहा है, कहाँ सही कह रहा है, कहाँ गलत कह रहा है। आपका टेस्ट हो रहा है, अली का तो हो ही रहा है। अली इधर सामने मेरे कैमरे के अंदर खड़े हो, अली का तो टेस्ट हो रहा है, आपका भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फार नहीं लगना चाहिए, सिंस मॉर्निंग के साथ सिंस लगने। बता देता हूँ मैं, अली ने जो बताया, अगर आपको जो जिस वक्त वो काम स्टार्ट हुआ है उस स्टार्टिंग मोमेंट का पता है, उस स्टार्टिंग के लम्हे का, स्टार्टिंग टाइम का पता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम किस लम्हे वो शुरू हुआ है, सुबह दोपहर शाम 4 बजे 6 बजे 1985 2012 ठीक है, सितंबर से अक्टूबर से नवंबर से संडे से मंडे से, ये स्टार्टिंग टाइम है, द मोमेंट दैट थिंग स्टार्टेड। अगर ये पता है तो फिर हम लगाएंगे सिंस। और अगर हमें स्टार्टिंग टाइम का पता नहीं है, तब से लेकर अब तक ड्यूरेशन कितनी हो गई है, 2 घंटे हुए हैं, 2 सेकंड हुए हैं, 2 मिनट हुए हैं, 2 दिन हुए हैं, ठीक है, 2 साल हुए हैं, तो फिर हम फार लगाएंगे। तो ये मॉर्निंग है स्टार्टिंग पॉइंट, ड्यूरेशन नहीं है। मॉर्निंग से लेकर अब तक, इस वक्त जो वीडियो बना रहे हैं, मॉर्निंग से लेकर अब तक कितना टाइम हो गया हम ये नहीं बता पा रहे, तो फिर हम ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें ड्यूरेशन का पता नहीं है, तो इसके साथ सेंस नहीं लगेगा, फार लगेगा। अली चेंज करो, सिंस लगेगा। हाँ सिंस लगेगा, फार को काटा सेंस लगाया। फिकरा ठीक हो गया, यहाँ टिक, सिंस मॉर्निंग यहाँ तक टिक हो गया। आखिर क्या चीज़ लगानी चाहिए? फुल स्टॉप नहीं लगा था, फुल स्टॉप नहीं है तो फिकरा दुरुस्त नहीं है। फुल स्टॉप नहीं है तो कोई भी और चीज़ कहला सकती है, वो फ्रेजल वर्ब कहला सकता है, इडियम कहला सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस कहला सकता है, लेकिन सेंटेंस नहीं कहला सकता। सेंटेंस के लिए क्या लाजमी चीजें हैं जरूरी? वर्ब और फुल स्टॉप। उसमें मिनिमम एक वर्ब होना चाहिए और एक फुल स्टॉप होना चाहिए। इसमें वर्ब है, एक है, ये है, दो है, ठीक है, वर्ब भी है, ये भी है, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है, और फुल स्टॉप भी होगा तो फिक्रा मुकम्मल है। आर वी श्योर कि फिक्रा दुरुस्त है? वी हैव ईटन बिरयानी सिंस मॉर्निंग, फिक्रा दुरुस्त है? अली कह रहा है दुरुस्त है। आप लोगों को कितने को लगता है फिकरा दुरुस्त है? मैंने जानबूझ के कहा था कि मैं फिकरा ऐसे दूंगा इसमें चंगे भले पढ़े लिखे फंसेंगे। अली तो फंस गया है, अली तो फंस गया, ये तो मुझे पता है अली फंस गया। आप फंसे कि नहीं फंसे, आप सही पकड़ पाए, अली को बताएं फोन करके, अली इसमें क्या गलती बताएं, जरा मशवरा दें कमेंट में, बताएं अली को क्या गलती है इसमें। अली मुझे पता है गलती है, उधर बैठे वाले लोगों को भी कुछ को पता है गलती, कुछ को नहीं पता, कुछ आप जैसे ही हैं, कुछ आप जैसे ही हैं, नल्ले दल्ले, सही है, कुछ नल्ले दल्ले से आगे हैं कि 11वीं है 12वीं है, ठीक है, लेकिन गलती इसमें है। कहाँ पे गलती है? ठीक है, आप लोग सोचिए कमेंट्स में बताइए कहाँ गलती है। जी वी हैव ईटन, यहाँ तक फिक्रा ठीक था, बिरयानी तक फिक्रा। मैं बता देता हूँ
अली ने जो किया था यहाँ तक फिक्रा ठीक है, अगर यहाँ फुल स्टॉप लग जाता, यहाँ फुल स्टॉप लग जाता तो फिक्रा ठीक था, दुरुस्त था। जब सिंस और फार आ जाता है तो ये टेंस कौन सा था पहले, यहाँ तक टेंस कौन सा है, वी हैव ईटन बिरयानी कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट है, परफेक्ट है। जब सिंस फार लग जाता तो फिर परफेक्ट नहीं रहता, सिंस और फार परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ लगता है। मैं सोच रहा था, हाँ सोच रहा था ना, देखो तुम फेल तो हो गए ना, अब पछताया क्या हो, जब चिड़िया चुकी खेत, जब टेस्ट हो गया, फैसला हो गया और आप जवाब नहीं दे पाए तो फिर फिक्रा तो आपका गलत हो गया। बताओ इसमें अब क्या चीज़ चेंज करेंगे, फिक्रा गलत है, यहाँ तक फिक्रा ठीक था लेकिन क्योंकि फिक्रा जा रही है सिंस और फार लग के तो फिर ये परफेक्ट नहीं रहा, परफेक्ट अब नहीं रहा, सिंस और फार की वजह से परफेक्ट नहीं रहता, फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। इसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ें चेंज करना पड़ेंगे ये बताना है आपने। इसकी थर्ड फॉर्म से इसके साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, लगाओ करके दिखाओ, आईएनजी किसके साथ लगाओगे, ईट कंटिन्यूस बनाने के लिए ईट के साथ आईएनजी, तो इसकी थर्ड फॉर्म काटोगे, इसको थर्ड फॉर्म नहीं रहने दोगे ना, यहाँ तक आप वैसे ठीक जा रहे थे, तरतीब से जो टिक 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 करते जा रहे थे वो ठीक है, लेकिन आगे मैंने एक गुंटी डाली थी कि मुझे पता था मैं फंसा लूँगा और फंस गए, ठीक है। तो इसको वापस हम करेंगे, पहली फॉर्म में ई काटेंगे, एन काटेंगे और पहली फॉर्म करेंगे, इसको पहली फॉर्म करो, ईट हो गया ना, ई ए टी, ईट हो गया, पहली फॉर्म हो गई, तो अब लगाएंगे इसके साथ आई एन जी, क्या करने के लिए, कंटिन्यूस करने के लिए आई एन जी लगा दिया, ठीक है, और परफेक्ट करने के लिए हैव आ गया, हैव तो आ गया, अब हैव को इसको काट के थोड़ा पीछे कर दो ताकि जगह बन जाए, ऊपर वाले को भी काट के पीछे कर लो ना ताकि जगह बन जाए, ठीक हो गया। तो यार उसको सीधा सीधा हैव लगा दो ना, चलो ठीक हो गया, काट के सीधा ही लगा दो, सीधा ही हैव लगा दो ना, वो तो हमने समझा लिया, ठीक है। अच्छा, वी हैव ईटिंग बिरयानी सिंस मॉर्निंग, फिक्र ठीक है। अब एक और रोला पड़ गया, हैव जो कहता है कि मेरे बाद जो वर्ब आएगा वो आई एन जी के साथ नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? इसकी एक इसका अपना रोला है और इसका अपना रोला है, आई एन जी के क्या रोल है, पहले आई एन जी के रोल, आई एन जी कहता है कि मेरे साथ फर्स्ट जो जो वर्ब लगेगा उसकी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म के साथ लग गया और ना, और ये इसके साथ कांदा लग गया और क्या लगना चाहिए, और कहता है मुझे लाठी चाहिए, लाठी कौन सी होती है, आई एन जी की कौन सी लाठी होती है, बी फैमिली कहाँ लगेगी, ए इससे पीछे, लगाओ, इसकी जरूरत पूरी हो गई, ये राजी हो गया, ये राजी है इसे, वी है बी नहीं, राजी नहीं है ना, क्या करूँ इसको, क्या करें, ये नाचे दिखाए, ये लड़कियों वाले कपड़े पहन ले, ये मेकअप कर, क्या करे, क्या करे कि ये राजी हो जाए इसे, ये थर्ड फॉर्म होगी इसकी, ये कौन सी है, फर्स्ट, ये क्या कहता है, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, बीन, करो, हाँ अब फिक्र ठीक है, हाँ क्या बना, वी हैव बीन ईटिंग बिरयानी सिंस मॉर्निंग, ये फिक्र ठीक हो गया। इसको और भी तरीका था, अगर हम सिंस फार को इधर से काट देते और ये सारी चीजें ठीक है ना लगाते और रिटर्न कर देते उधर, ये भी मैंने कहा फिक्र मुझे दुरुस्त करना है, चाहे काटो ठीक है, चाहे यार नहीं ना, जब मैंने ये काट के भी तो कर सकता था ना, इसकी तीसरी फॉर्म करके, इसको हैव तीसरी फॉर्म और बिरयानी, आई हैव ईटन बिरयानी, ये भी कर सकते थे परफेक्ट में रहते हुए सिंस फार काट देते। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने काटना कुछ नहीं, मैंने कहा काउंट करो या छांट करो, काटो या लगाओ, मुझे फिक्र दुरुस्त चाहिए। तो दो तरीके हो सके, पहला तरीका था कि इसको हमने परफेक्ट कंटिन्यूस कर लिया सिंस और फार की वजह से, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका था कि हमने सिंस और फार काट दिया, बाकी जो रह गया उसे परफेक्ट टेंस में रख लिया, ठीक है। आई होप दैट यू गॉट इट राइट, अली दुरुस्त कर पाए, और कितने लोग कहाँ तक फंसे, कितनी कितनी जगह पर आप फंसे, कन्फेशन भी मुझे भेजिए, दुरुस्त भी आपने कर लिया होगा, कन्फेशन भी मुझे लिख के भेजिए ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ आपको कमजोरी थी, सीख पाए हैं या अभी भी कन्फ्यूजन है, अभी भी कन्फ्यूजन है, तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 0302-692-4246 और मेरे से आप क्लासेस ले लें, लाइव ऑनलाइन पढ़ लें या वीडियो कोर्सेस पढ़ लें, वैसे यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ सिखाने की। अली कोई कन्फ्यूजन अभी तक जो सीखा, फिक्र दुरुस्त करने में कोई कन्फ्यूजन रह गई, नहीं, यू आर गुड, आई बिलीव अली इज़ गुड एंड आई बिलीव यू आर गुड, ठीक है। तो सबको कहते हैं टाटा बाय बाय,
दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होगी। देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।